बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आपके लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए, आपके प्यारे रिश्तों के लिए, बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए, दीन और दुनिया के लिए खैर वाले मामलात फरमाए। आमीन सुम आमीन। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो डॉक्टर डॉट एम अली एस्ट्रोलॉजर भी है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो वो लिंक भी है। और आप से रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, बहुत मेहरबानी है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इस हफ्ते की। पहले ये बताइए कि आप सब लोग खैर खैरियत से हैं, पिछला हफ्ता आपका ठीक गुजरा इंशाल्लाह, और आगे के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो खैर वाले मामलात रखे हम सब के लिए। वक्त जो है वो गुजरता है और तेजी से गुजरता है, बहुत सारे नक्श जो है वो छोड़ता जाता है इंसान की जिंदगी पे, और कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें इंसान के हिसाब से अच्छी नहीं होती हैं, मगर कुदरत ने अपना एक जो काम है वो करना है और हमें उसके साथ चलना है। बहरहाल बेहतरी की दुआ हमेशा इंसान मांगता रहता है, तो कुदरत जो है वो चीजें बेहतर तरीके से भी हमारे लिए तरतीब देना शुरू कर देती है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक कैलकुलेशन का इल्म है, और इसमें सिर्फ ये है कि एक अंदाजा, एक जो है ना एस्टिमेशन आपको दे दी जाती है कि जनाब ये बेस है, इसकी बेस के ऊपर अगर आप चाहें तो अपने डेज को प्लान कर सकते हैं। और अब हम बाकायदा आगाज करते हैं जनाब, पहले बुर्ज की बात करते हैं। बुर्ज हमल, जिसको हम उर्दू अरबी फारसी में तो हमल कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं एरीज। इस बुर्ज का, एरीज का जो अरसा है वो शुरू होता है 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। असल में एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर भी यहीं से स्टार्ट होता है, एस्ट्रोलॉजिकल ईयर जो है, एस्ट्रोलॉजिकल जो साल है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। इसके ऊपर जो हाकिम सयारा है वो मरीख है, मार्स जिसको हम कहते हैं, और इससे मंसूब जो हरूफ हैं जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो हैं अलिफ लाम एन और ये। इन हरूफ का असर ये है अगर आप इनसे नाम रखते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो जिंदगी के ऊपर रहता है, अगर सही मंसूब हरूफ से नाम रख लिए जाएं तो। दूसरी चीज ये कि इसके ऊपर जो दिन या इसका जो दिन है, इससे जो रिलेटेड दिन है, दिन सारे बेहतरीन मेरे प्यारे रब के, इसका जो दिन जो समझा जाता है वो मंगल है, और इससे जो अदद मंसूब किया जाता है वो 9 है, लकी नंबर जिसको कहते हैं। और सुर्ख रंग या किरमिजी रंग जो है वो अगर आप पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जिंदगी के ऊपर, हमल वालों की जिंदगी के ऊपर बहुत अच्छे गहरे खुशगवार असरात जो हैं वो तरतीब पा जाते हैं। याकूत, मरजान, सुर्ख अकीक और हीरा जेम स्टोन्स हैं जो आप पहन सकते हैं। ये तकदीर बिल्कुल आपकी तब्दील नहीं करेंगे, मगर यह है कि जो आपकी जिस्मानी तवनाइयां हैं उनके ऊपर बेहतर तरीके से काम करके बेहतर फैसले करवाने की तरफ आपको अल्लाह ताला लेके जा सकता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रह सकता है। कारोबारी मामलात वाले जो अफराद हैं, कारोबार वाले, वो बेहतर फैसले इस वीक में करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि इस वक्त आपकी सोच और आपकी जबान जो है इस वीक में साथ लगता है कि नहीं देगी। जो सोच रहे हैं वो कह नहीं सकेंगे, और जो कह रहे होंगे वो आपने सोचा भी नहीं होगा। और यह है कि बहुत करीबी साथी आपको आपके ऐसा मशवरा दे सकते हैं कि जिसमें आपको, जिसकी वजह से आपको कारोबार में नुकसान होने के चांसेस हैं, खुदा ना खास्ता। तकरार जो है वो हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है, उन वाले मामलात की तरफ आपने कोशिश करना है कि अवॉइड करें। और जो बिजनेस एग्रीमेंट्स करते हुए नजर आते हैं उनके अंदर कोई खातिर खा फायदा नजर नहीं आता, इस हफ्ते रुक जाए, थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि ये हफ्ता वायदों में अल्लाह ना करे नुकसानात का मामला ला सकता है। और अनएक्सपेक्टेड जो अराइवल है रिश्तेदारों का, उसकी वजह से एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं।
बाकी पीस ऑफ माइंड भी इस हफ्ते में थोड़ा सा जो है वो शैटर्ड है, तो कोशिश ये करें कि मेडिटेट करें, जिक्र इलाही में अपना टाइम गुजारें, और सफरी मामलात जो हैं उनमें एहतियात रखें, सफ़र करने जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे गुरेज करें, और यह है कि दौरान सफ़र खुदा ना खास्ता कोई झगड़ा है, मतलब ओवरऑल ये वीक जो है ये केयरफुल रहने का वीक है एरीज वालों के लिए। इसमें अच्छी चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ये है कि औलाद की तरफ से जो है वो बेहतर चीज़ सुनने को मिल सकती है, जिनके बच्चे तालीम ले रहे हैं या जिनके बच्चों की शादियां हुई और बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी औलाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ अच्छी आती है ज़िंदगी में, वो अच्छी न्यूज़ है इस वीक के लिए। प्लस ये है कि रुपया पैसा जो है वो इस वीक में मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, खासतौर पर जो हाउस होल्ड वाली खवातीन जो हाउस वाइफ हैं, मेहमानों की आमद जो है वो बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा। शादी के जो मामलात हैं वो भी इस हफ्ते अगर आप स्टे करेंगे तो बेहतर हैं, और जो प्यार मोहब्बत के मामलात हैं उनके अंदर भी बहस मुबाहसे की जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुंजाइश निकलती नज़र आती है। तो बेहतर ये है कि किसी बात के ऊपर आर्गुमेंटेशन में अपनी लाइफ पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर के साथ या टू बी लाइफ पार्टनर के साथ मत जाएं बिल्कुल भी। अच्छा जी, अब सदकात की हम बात करते हैं कि सदकात जो हैं वो हमेशा मुस्तहिकीन को देने चाहिए। मुस्तहिकीन जो होते हैं वो अपने बहन भाई होते हैं, अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, महल्लेदार होते हैं, तो उसके बाद फिर आप देखें किसको देना है सदका, और सदका जिसको भी दें बता के दें कि ये सदका है। आप सदके में सदका जो है ना वो बलाओं को टालता है, रद्दे बला मौत तक को टालने की कुव्वत अल्लाह ने इसमें रखी है। आप दे सकते हैं सदके में गंदम, काला गुड़, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, सुर्ख रंग का कपड़ा, सरसों का तेल और जिंदा जानवर, और ये सारी एक डिटेल में देता होता हूँ हमेशा, इसमें से जो आपकी इस्तेदाद हो आप अपने हिसाब से वो सदका दे दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इबादत मैंने आपको बताया कि ज़हनी सुकून इस हफ्ते थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, मेडिटेशन करें, और दूसरा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ अपना जो कॉन्टेक्ट है उसको फुली इस्टेब्लिश रखें और बेहतर करें, और इसके अलावा नमाजें जो हैं अपनी वो कायम रखें, और या सलामों का फिर जो है चलते फिरते उठते बैठते करते रहें, और इसको हर नमाज के बाद एक तस्बीह अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ जरूर पढ़ते रहें, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अगले बुर्ज की तरफ पढ़ते हैं, बुर्ज सौर की तरफ। बुर्ज सौर जो है उसके लिए इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो है गैर जरूरी अखराजात जिनको कहा जाता है वो आ सकते हैं, और इनका भी थोड़ा सा मामला एरीज वालों से मिलता जुलता है कि घर के जो अफराद हैं उनके दरमियान गैर अहम बातों पर तलख कलामी या झगड़े के चांसेस हैं, तो थोड़ा एहतियात करना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है। अगर कोई ऐसा आपको सीन लगे तो अगर वीडियो आपने ये देखी है तो जहन में रखिएगा, ऐसी सिचुएशन टॉलरेंस के लिए भी आ सकती है, तो आपने बैकफुट पे हो जाना, आपने जवाब नहीं देना। और बाकी ये जो है कि लेन देन के जो मामलात हैं आपके वो भी थोड़ा सा डिले का शिकार रहते हुए नजर आते हैं, और ये है कि इसकी वजह से ज़हनी बेचैनी या इंतशार पैदा होगा, उसमें बिल्कुल नहीं जाना, अल्लाह ताला को याद करके अल्लाह से दुआ करनी है, और स्ट्रेस में नहीं आना। और दोस्तों के साथ और करीबी रिश्तेदारी में ना इस वीक में थोड़ी सी गलत फहमी जो है वो डेवलप होती हुई नजर आती है, तो उसका तरीका ये है कि दूसरे के साथ अब बात कीजिए, डायलॉग में चले जाएं, बात को खुद भी दिल में ना रखें और उसके दिल में भी बात को ना रहने दें, उस तरीके के साथ बात करके डायलॉग करके उस चीज को रफा करने की कोशिश करें। और उससे ये है ना कि अगर मिसाल के तौर पे खानदान में आपके साथ ऐसा कोई मसला होता है तो वो उससे खुदा ना खास्ता खानदानी ताल्लुकात मुतासर होने का खदशा है, उस चीज को आप कवर अप कर सकते हैं। और ये है कि अगर आप इस वीक के अंदर बच्चे या बच्ची से रिलेटेड कोई रिश्ता अपने खानदान में कर रहे हैं या कर रही हैं और आपका बुर्ज सौर है, टॉरस है, तो इस हफ्ते में आपने रिश्ते की बात पक्की अपनी औलाद से रिलेटेड नहीं करनी, अगर खास तौर पे वो आपके खानदान में रिश्ता हो रहा है तो। और दूसरा ये है कि आपने कोई बात ऐसी नहीं करनी, एक्सप्रेशन ऐसा नहीं देना, कोई वर्बल एक्सप्रेशन ऐसा नहीं देना कि जिससे दूसरे के जज्बात को
तकलीफ पहुंच रही है, तो वैसे भी नहीं देना चाहिए। टोरियंस के लिए इस वीक में खास तौर पे जो है ना वो एहतियात में बता रहा हूँ। पहले मैं थोड़ी सी कड़वी बात बता देता हूँ, अच्छी बात है जरा थोड़ा सा फिर मैं बाद में आपको भी बताता हूँ। बाकी ये है कि अच्छी चीज की तरफ हम आ जाते हैं, वो ये है कि बाहमी राबतों के लिए, बातचीत के लिए, सैर व तफरी के लिए प्रोग्राम्स इस वीक में बनते हुए नजर आते हैं, मगर कोशिश ये करनी है कि उनके अंदर कोई तलखी या कोई इख्तलाफ वाली सिचुएशन जो है वो आपने डेवलप नहीं होने दें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई डेवलप होती है इस तरह की सिचुएशन तो रीजन आप हो सकते हैं, तो आपने नहीं होने देना। बाकी जो लिखने लिखाने से जिनका ताल्लुक है ना टॉरस वाले, उनके लिए ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो बैंकर्स हैं जिनका ताल्लुक टॉरस के साथ है, उनके लिए ये वीक जो है ये बड़ा बेनिफिशियल है। जो बैंकिंग, फाइनेंस, करेंसी के काम के साथ जिनका ताल्लुक है, उनके लिए ये वीक जो है ये बहुत अच्छा है। बाकी ये है कि सेहत के जो मामलात हैं और गैर जरूरी ज़हनी टेंशन, उससे आपने बचना है। आसाबी तनाव जो है उसका शिकार होते हुए या होती हुई आप नजर आते हैं इस वीक के अंदर, तो आपने उस चीज से जो है वो बचना है। स्ट्रेस जहां पे भी नजर आए हर एक को बचना चाहिए, आपके लिए खास तौर पे एक स्ट्रेस वाला वीक है, आपने साइड पे रहना है। हाउसवाइफ्स जो हैं गैर जरूरी जो जज्बाती ख्याल आते हैं ना गुस्से से रिलेटेड, कि मैं फलाने के साथ बात करती हूँ या फलानी के साथ बात करती हूँ या किसी के साथ मैं यूं करूंगी या मैं उसके साथ ये गिला करूंगी, हाउसवाइफ्स खासतौर पे घर पे जिस वक्त मौजूद हैं, इस तरह की चीजों को वर्बल एक्सप्रेशन के जरिए एक्सप्रेस नहीं करना। किसी को फोन करके लड़ाई हो गई या बहस हो गई, इस चीज से आपने अवॉइड करना है। अच्छा, इसके अलावा आपने ये करना है कि लोग जो भी बातें कर रहे हैं उनको सुन के परेशानी में आपने मुब्तला नहीं होना, आपसे रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड किसी चीज में गैर जरूरी में डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। ये एक वक्त है, ये वीक है, ये निकल जाएगा इंशाल्लाह। चीजें जो हैं वैसी नहीं हैं जैसी आपको बताई जाएंगी, तो आपने थोड़ा सा अकल और शऊर का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो नए जॉब सीकर्स हैं टॉरियंस, उनके लिए अच्छा वीक इस लिहाज से है कि नई जॉब जो है इंशाल्लाह वो अल्लाह के फजल और करम से आपको मिलती हुई नजर आती है, फ्रेश जॉब सीकर्स के लिए खास तौर पे जो टॉरस के साथ रिलेटेड है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सदकात की। सदकात जो है वो हमेशा देख के दीजिए कि सदका जो है वो मुस्तहिकीन को दिया जाता है। और मैं आपको ये बताता हूं, देखें आपका ताल्लुक है टॉरस के साथ, ठीक है, टॉरस जो है इसका अरसा 21 अप्रैल से 21 मई तक का है, ठीक है, और जो आपका रूलिंग प्लैनेट है जोरा, जोरा जो है वीनस है, सॉफ्ट लोगों का रूलिंग प्लैनेट होता है ये, और आप लोगों के लिए जब मामला आ जाते हैं ना सख्ती वाले, तो आप परेशान हो जाते हैं उसमें आके, आप पैनिक कर जाते हैं, पैनिक नहीं करना आपने। और जो हरूफ हैं जिनसे आपके नाम लिखे जाते हैं या नाम रखे जाने चाहिए, वो बे और वाओ हैं, ठीक है, इससे नाम रखे, नाम का इम्पैक्ट बड़ा डीप होता है, पूरी लाइफ में रहता है, पूरी लाइफ के बाद भी रहता है। और इसके अलावा जो दिन जोहरा के ऊपर या जुमे इसके ऊपर टॉरस के ऊपर मुकर्रर है वो जुमे का दिन है, दिन सारे बेहतरीन है, जुमातुल मुबारक जो है वो इसका दिन है, और 6 इसका जो है वो लकी नंबर है, और आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकती हैं हल्का या नीला रंग जो है ना, हल्का नीला या सब्ज रंग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपल और सब्ज बुकरात जो है वो पहन सकते हैं, पहन सकती हैं। सदकात जो है वो आप दे सकते हैं सफेद खीर, सफेद कपड़ा, सुर्ख कपड़ा, चांदी, दही, अनारदाना, आटा, अंडे, चावल, गोश्त और सफेद जानवर, ठीक है, मुस्तहिकीन को दें, अपने बहन भाई हो सकते हैं, अजीज रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं, इनको दें। सारे नहीं दे सकते तो कोई एक चीज जो है वो सदके में दें, क्योंकि सदका रद्दे बला है, मौत तक को टालने की कुव्वत अल्लाह ने इसमें रखी है। अब हम आते हैं जनाब पढ़ने के लिए क्या है इस हफ्ते में। अल्लाह ताला को याद करते रहें, अपना ताल्लुक जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करें, और उसके बाद आपने करना ये है कि मेडिटेशन आप कर लें, कुछ आपने पढ़ना है, कोई कुछ चीज मिसाल के तौर पे आपके जहन में है कि आपने
अल्लाह ताला का ये समय, तो आप जो दिल करे मेडिटेशन करें, मगर मेडिटेशन में बेस्ट जो मेडिटेशन है ना वो दुरूद पाक की है। दुरूद पाक की कसरत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर दुरूद भेजें, क्योंकि ये वो काम है जो मेरा प्यारा रब हम वक्त अपने फरिश्तों के साथ करने में मसरूफ। मेडिटेशन तो बेस्ट ये है। दूसरा ये है कि आपने इस वीक में या लतीफ़ो या अल्लाह हो की तस्वीर जो है हर नमाज के बाद, अब वो आखिर दरूद शरीफ के बाद ये एक एक तस्वीर कर लें, दो कर लें, जैसे आपकी तबक, मगर कम से कम एक तस्वीर जो है वो जरूर कीजिए। अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा फजल और करम नाजिल होगा आप पे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अगले बुर्ज की तरफ बढ़ते हैं जो है जेमिनाई, जिसको हम उर्दू अरबी फारसी में कहते हैं जोजा। और जोजा का अरसा जो है वो शुरू होता है 22 मई से 21 जून तक। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है, अतारद जिसको हम कहते हैं। और जो इससे मंसूब हरूफ हैं वो काफ और काफ हैं। नाम जो होता है वो आप अगर मंसूब हरूफ से शुरू होना चाहिए नाम वो रखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा बड़ा पॉजिटिव रहता है अल्लाह की मेहरबानी से थ्रू आउट द लाइफ। और दूसरा ये कि दिन जो इससे मंसूब है वो है बुध। बुध का दिन है। दिन वैसे सारे तो सारे बेहतरीन है, मगर हर बुर्ज के साथ एक दिन अटैच है और इसके साथ बुध का दिन अटैच है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई अपने मेजर डिसीजंस लेना चाहते हैं लाइफ के, इस दिन लेंगे तो और ज्यादा बेहतरी अल्लाह कर देगा इंशाल्लाह। और जो लकी नंबर है इसका वो है 5। और जो रंग आप पहन सकते हैं वो येलो कलर है, या मल्टी कलर भी आप पहन सकते हैं। रंग जो होते हैं ना उनका भी इम्पैक्ट जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा हुआ करता है, तो पीला रंग या मल्टी कलर या मिक्स कलर जो है वो आप पहन सकते हैं। और जो कीमती पत्थर हैं जो आप पहन सकते हैं, जो बिल्कुल आपकी तकदीर को तो तब्दील करने नहीं जा रहे बॉडी एनर्जी से, क्योंकि इनमें मेडिसिनल जो क्वालिटीज हैं वो अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं, हीलिंग की भी बहुत सारी एनर्जीज हैं इनके अंदर। आप अकीक सब्ज रंग का पहन सकते हैं, जमुरद पहन सकते हैं और फिरोजा पहन सकते हैं, मर्द हैं या खातून तो आप ये पहन सकते हैं। अब आपके इस वीक की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखें, दोस्त और करीबी जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं वो आपके लिए जिंदगी में इस हफ्ते में एक अहम किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। और वजह उसकी ये है कि आपका अपना ही प्लैनेट जो है वो आपके साथ बहुत अच्छे एंगल के अंदर बैठा हुआ नजर आएगा, मुवाफकत में होगा बहुत सारे अच्छे प्लैनेट्स की नजर में भी। तो उसमें ये होगा कि ये इस एंगल के ऊपर है कि लोग आपकी तरफ जो हैं वो मुतवज्जा होते हुए नजर आएंगे आपको। और इस आमद रफ्त से, इस रुझान के तहत आपकी उम्मीदों, ख्वाहिशात और अहम मकासद को इंशाल्लाह 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 फायदा पहुंचेगा। और ये है कि इन दिनों में जो आपकी जिंदगी में वाकयात रूनुमा होंगे वो आप में अल्लाह की मेहरबानी से खुश उम्मीदी पैदा करेंगे। और आप ये देखिएगा कि जो मोहब्बत के मामलात हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है ये बड़ा जबरदस्त है जेमिनाई वालों के लिए। और इस वीक में जो बच्चे और बच्चियां पैदा हुए हैं वो एक अच्छी एनर्जी के तहत जो है वो पैदा हुए, क्योंकि इस वक्त जो आप कहना चाहिए जो आप समझ लीजिए कि जो नजरात हम कह लेते हैं जो बनी हुई हैं प्लैनेट्स की, वो जोजा वालों के लिए बेहतरीन है। और जो बच्चे बच्चियां पैदा हुए हैं वो आगे लॉन्गर रन में जाके अच्छे तरीके से जिंदगी में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। गैर शादीशुदा अफराद जो हैं उनकी जिंदगी में आप कह लेंगे मोहब्बत का आंसर जो है वो दाखिल होता हुआ नजर आता है, और मोहब्बत के मामलात से मुतल्लिक उनके जो ख्वाब हैं वो भी पूरे होते हुए इस वीक में नजर आते हैं। यानी मंगनी है, निकाह है, या कोई शादी का सिलसिला है, वो चीज होती नजर आती है। खासतौर पर वो लोग जिन्होंने पसंद से शादी करनी है या जो मंगनी या निकाह में जा रहे हैं पसंद से, उनके लिए। अच्छा, अब ये है कि एक चीज और आती है आपको नजर आएगी इस वीक में कि जिन लोगों के साथ
कुछ अरसे से या काफी अरसे से मेल जोल हैं उनकी तरफ से, अगर आप मेल हैं तो फीमेल का रिश्ता आएगा, फीमेल है तो मेल का रिश्ता आता हुआ इस वीक में अचानक आता हुआ नजर आता है। अच्छा, घरेलू जो जिंदगी है मैरिड लोगों की, वो अल्लाह की मेहरबानी से इस वीक में बहुत खुशगवार होती हुई नजर आती है, कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है। बच्चों से रिलेटेड जो है वो अच्छी न्यूज आपको मिलती हुई नजर आती है। जो हाउसवाइफ्स हैं वो शॉपिंग में नजर आती हैं, घर के जो उमूर हैं उनको बड़े अहसन तरीके से पूरा करती हुई नजर आती हैं। बच्चों से रिलेटेड ड्यूटीज जो हैं वो अच्छे तरीके से करती हुई नजर आती हैं। और इनकम के सोर्सेज जो हैं, चाहे आप कारोबार में हैं या आप मुलाजमत में हैं, इनकम के सोर्स जो हैं वो ओवरऑल इस वीक में आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये है कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं मिसाल के तौर पे हायर एजुकेशन के लिए, तो आपके लिए ये वीक जो है ये बेस्ट वीक्स में से एक वीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी सदकात की, के सदकात आप क्या दे सकते हैं। आप जनाब सबसे पहले तो ये देखें कि मुस्तहिकीन जो है वो कौन है। आपके अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, अजीज रिश्तेदार हो सकते हैं, हमसाए हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं। सदका जो है बता के दें, और सदका जो है वो हर बला को टालने की कुव्वत अल्लाह ने उसमें रखी है। आपने देना है साबुत मूंग, सब्ज रंग का कपड़ा, गाय का घी, फिरोजा या परिंदों का गोश्त। पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट की इस्तेदाद है तो पूरी लिस्ट सदके की जो है वो अपने अपने हिसाब से दे दें, वरना कोई एक चीज जो है वो सिलेक्ट करें और सदके में जरूर दें। और सदका जिसको भी दें इज्जत एहतराम के साथ जताए बगैर उसको, ठीक हो गया। अब जनाब हम ये देखते हैं कि पढ़ने के लिए आपने क्या कर लेना है, इस सबक आपका जो है इस वीक का क्या है। सबसे पहले अपनी नमाजों को, इबादात को, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने ताल्लुकात को और स्टेबल करें, बेहतर करें। इसके अलावा मेडिटेशन जो है वो करें, दुरूद पाक पढ़ें कसरत से, क्योंकि ये वो खूबसूरत अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों के साथ हम वक्त करने में मसरूफ अमल है। आपके पढ़ने के लिए इस वीक में या हफीजो या अल्लाह की जो है तस्बीह वो आती है। आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह जो है वो पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें हर नमाज के बाद, या हफीजो या अल्लाह की एक तस्बीह जो है वो आप करें। जी व्यूअर्स, अगले अपने जो ज़ोडियक साइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि वो सरतान है, जिसको हम उर्दू अरबी फारसी में तो सरतान कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं कैंसर। और कैंसर का जो अरसा है वो 22 जून से शुरू होता है, 23 जुलाई तक रहता है। इसका मतलब ये है कि इस अरसे में जो बच्चे या बच्चियां पैदा हो रहे हैं उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज सरतान के साथ है। इसका हाकिम सैयारा कमर है, जिसको हम चांद भी कहते हैं, मून भी कहते हैं। और इससे जो मंसूब हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो हे हलवे वाला और गोल हे, उससे नाम रखे। नाम का इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत जबरदस्त होता है जिंदगी के ऊपर, याद रखिएगा। नाम अगर आपने सही रख दिया है, सही हर्फ से रख दिया है, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि इन हरूफ से नाम शुरू होने चाहिए। ये मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी बीच में होने चाहिए या शुरू, तो ये शुरू नाम जो है इन हरूफ से होने चाहिए। नाम अगर सही रख देते हैं जिंदगी की 40-50% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही आपकी जो है वो अल्लाह ताला क्लियर कर देता है। अच्छा, दिन जो है इससे मंसूब वो पीर का दिन है, दिन सारे बेहतरीन है मेरे अल्लाह के, और जो इसका लकी नंबर है वो 2 है। और रंग जो इससे मंसूब है वो है वाइट कलर भी है, ऑफ वाइट आप कह सकते हैं, मिल्की कलर जो है वो भी है, ठीक है। ये कलर्स अगर आप पहनते हैं या पहनती हैं तो जिंदगी के ऊपर एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव सूदिंग इफेक्ट जो है वो रहता है। इसको हर वक्त मत पहने, हफ्ते में एक दफा दो दफा जरूर अपनी बॉडी के साथ इसको टच जरूर करें इस कलर के ड्रेस को। जो जेम स्टोन्स हैं, कीमती पत्थर जो आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, वो दुर्रे नजफ है। इसके अलावा हजरुल कमर मून स्टोन जिसको कहा जाता है, सफेद मरजान जो है वो आप पहन सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वाटर एलिमेंट है, ठंडे ठंडे लोग हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, तो ये है कि ये पत्थर अगर पहनते हैं तो बॉडी एनर्जी जो है इनकी और ज्यादा बेहतर हो जाती है। तकदीर ये पत्थर नहीं तब्दील कर सकते,
तकदीर को बदलने पे अल्लाह ताला ही कादर है हमेशा। अच्छा, इस दफा इस बुर्ज वालों को ये है कि घरेलू जिंदगी जो है वो तो खुशगवार है, मगर दूसरों के जो जज्बाती मसाइल है ना, उनकी वजह से फिक्र या परेशानी हो सकती है। उसमें कोशिश करेंगे इन्वॉल्व जितना कम से कम हो वही बेहतर है। और बाकी ये है कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना, तो कैंसेरियंस जो हैं वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं आमतौर पे, या एक्टिविटीज में या दिलचस्पियों में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, जिनके नतीजे में उन्हें किसी क्लब में, किसी ग्रुप में, लाइब्रेरी में या इदारे में शरीक होना पड़ता है ना, उसमें ग्रुप पीपल में जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा अपनी जो इनकी होती है ना सोशल वेलनेस, उसकी बड़ी इनको मतलब केयर होती है, बड़ा केयर करते हैं। तो इस वक्त की जो पोजीशन है ना आपकी इस वीक की, वो इस चीज को जाहिर कर रही है कि ये एक्टिविटीज करते हुए नजर आते हैं आप, लोगों से मिलना जुलना, तकारीब में शामिल होना, ये चीज नजर आती है। और दूसरा ये है कि इस वीक के अंदर कारोबारी फैसले जो हैं आप बेहतर तौर पे कर सकेंगे एज कम्पेयर टू द लास्ट वीक्स। इस वीक के अंदर कारोबारी मामलात, मुलाजमत से रिलेटेड मामलात बेहतर तौर पे आप जो है ना वो हैंडल करते हुए या करती हुई नजर आएंगी। अच्छा, फिर ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपने खुद एनालाइज करनी है, खुद आपने गेज करनी है, आपने सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन नहीं करना। आपने करना ये है कि अगर लेट से आपका ताल्लुक किसी आला इदारे से है, किसी आला ओहदे के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो आपके जो नीचे का स्टाफ आपको रिपोर्ट दे रहा है उसको जब तक आप वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई ना करें, आपने उस रिपोर्ट पे ना तो साइन करने और ना उसको टोटली उस पर यकीन करना है। इसी तरह अगर आप घर के सरबरा हैं, बुर्ज सरतान से आपका ताल्लुक है, तो भी ऐसी ऐसी बातें जो खानदान से रिलेटेड हैं, जब तक डायरेक्टली आपको उनका सोर्स ना पता चले आपने यकीन नहीं करना, वरना प्रॉब्लम है। जो सरतानी हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए भी यही चीज है कि बच्चों और बच्चियों से रिलेटेड जो मामलात हैं, शादी है, ब्याह है, रिश्ता है, उसमें छानबीन अच्छे तरीके से करें, उसके बाद जो है फिर कोई इनिशिएटिव लें। इनकम के सोर्सेज जो हैं वो आपके इस वीक के अंदर काफी इंशाल्लाह बेहतर होने जा रहे हैं। और यह है कि एक से ज्यादा सोर्सेज जो हैं या रिसोर्सेज वो पैदा होती नजर आती हैं, और आप जो हैं वो फाइनेंशियल लिहाज से थोड़ा सा बेहतर होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आपने करना ये है कि जो पार्टनरशिप के बिजनेस वाले कैंसेरियंस हैं, उनके लिए थोड़ा सा एहतियात का भी किस तरह के इन रिटर्न जो भी आपने करना है वो सोच समझ के करना है आपने। और उसमें आपने करना ये है कि जो भी शरायत आप तय कर रहे हैं अपने पार्टनर जो भी आपके बन रहे हैं उनके साथ, वर्बली भी और आपने रिटर्न भी, वो बिल्कुल बैठ के आराम से तसल्ली के साथ फिर आपने स्टेप फॉरवर्ड लेना। अब जनाब हम आते हैं सदकात की तरफ। सदकात जो हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये कहता हूं कि सदकात हमेशा मुस्तहिकीन को दें, क्योंकि उसके बगैर, और फिर बता के दें कि जी ये सदका है, उसके बगैर लगता नहीं है सदका। अच्छा, सदके के लिए अपने बहन भाइयों को देखें, अजीज रिश्तेदारों को देखें, दोस्तों को देखें, महल्लेदारों को देखें, जो इनमें से डिजर्व करता है पहले सदका इसको दें। और चैरिटी बिगिंस एट होम में हमेशा एक बात करता होता हूँ, वो आप सदका दीजिए। और सदका जो है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी ताकत रखी हुई है कि ये हर बला को टालता है और मौत तक को टाल देता है। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिसको भी दें इज्जत एहतराम के साथ सदका जो है वो दें। अब सदका देना क्या है आपने, आपने जनाब सफेद मीठी खीर आप दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, अंडे जो है वो सदके में दे सकते हैं, आटा, चावल, सफेद जानवर, सफेद कपड़ा, मतलब ये चीजें जो हैं आप दे सकते हैं, नकद रकम दे सकते हैं, सिक्के जो हैं वो दे सकते हैं, इसमें से जो आपकी तौफीक इस्तेदाद है वो आप जो है सदका अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्ते में वो जरूर दें। अब मैं आपको अर्ज करता हूँ कि आपने पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो अपनी नमाजें इंटैक्ट रखें, मेडिटेशन करें, दुरूद पाक पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये काम करने में, खूबसूरत काम करने में हम वक्त अपने फरिश्तों के साथ मसरूफ।
हर नमाज के बाद एक तस्बीह या जुल जलाल वल इकराम जो है उसकी आपने पढ़नी है इस हफ्ते में। हर फजर की नमाज के बाद तो खास तौर पे, और इशा की नमाज के बाद, बाकी नमाजों के बाद भी जो है ना वो आपने लाजमी तौर पे या जुल जलाल वल इकराम की एक तस्बीह तो कम अज कम पढ़े। खुला पढ़ना चाहे वो आपका आपकी मर्जी है, मगर एक तस्बीह अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। जी व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडियक साइन असद की तरफ, जिसको हम उर्दू अरबी फारसी में असद कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं लियो। और इसका जो अरसा है वो 24 जुलाई से शुरू होता है, 23 अगस्त तक रहता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे या बच्चियां इस अरसे के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुध असद से होता है, और असद का जो हाकिम सयारा वो है सन, शम्स, और इससे रिलेटेड जो नाम रखने का हर्फ है वो सिर्फ मीम है, एक एम जिसको कहते हैं। और जो बच्चे या बच्चियां इस बुर्ज के तहत पैदा हो रहे हैं या हो रही हैं उनका नाम आप मीम से या एम से रखें, क्योंकि नाम का असर जो है वो जिंदगी से लेकर जिंदगी के बाद तक जो है वो हमेशा रहता है। और जिंदगी में अगर नाम आपने सही रख दिया है किसी बच्चे या बच्ची का, आधी मुश्किलात अल्लाह वैसी जो है ना वो काट देता है। अच्छा, ज्यादातर यही होता है, ठीक है। तो अच्छा, दिन जो है इससे मंसूब वो इतवार का है, संडे। दिन सारे बेहतरीन है, एक सिलसिला बना हुआ है, संडे इसका दिन है लियो का। उसके बाद जो इसका लकी नंबर है वो 1 है, अदद जो है वो 1 है, और इसका जो रंग है वो सुनहरा यानी गोल्डन जो होता है, और डार्केस्ट येलो जो कलर है वो उसका कलर है। और आप अगर ये रंग पहनते हैं या पहनती हैं, इस्तेमाल करते हैं या करती हैं, इसका इम्पैक्ट जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा और बहुत अच्छा आता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद हम आपको ये बताते हैं, इससे जो मंसूब है ना पत्थर, कीमती पत्थर, जेमस्टोन, वो याकूत है या हीरा है। अच्छा, अब ये याकूत और हीरा किस्मत को तो तब्दील कर नहीं सकते, क्योंकि तकदीर तो तब्दील सिर्फ अल्लाह कर सकता है। ये बॉडी एनर्जीज के ऊपर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, बॉडी एनर्जीज जो है वो बेहतर हो जाती है अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस हफ्ते में लियो वालों ने दोस्तों के साथ रिलेशन में मोहतात रहना है, ठीक है, मोहतात रहिएगा हर लिहाज से। इस वक्त जो ख्यालात और सोच है ना आपकी, वो एक नई साइड पे जाती हुई नजर आती है, नया रुख अख्तियार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिससे हर बंदा जो है वो इत्तेफाक करे, तो आप जरा थोड़ा सा जो गैर जरूरी ख्वाहिशात या मतलब एक इररेलीवेंट सोच आ रही है किसी तरह की, उसको आपने दबाना है इस वीक में, उस की तरफ जाना नहीं। नेगेटिव थॉट्स, इररेलीवेंट, फालतू, ये इन चीजों की तरफ नहीं जाना। और बाकी ये है कि जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात में है ना, मिरास है, तरका है, उसके अंदर जो लियो अफराद हैं उनके लिए इस वीक में ये है कि थोड़ी सी तवज्जो और ज्यादा चाहिए आपको, अपनी डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ी बेहतर कर लीजिए, या इसको थोड़ा सा ना रीडिजाइन करें, जो भी आप इन मामलात में जा रहे हैं दोबारा देखें, रीथिंक करें, रीफर्निश करें इसको, और फिर ये करें कि तमाम जो मामलात हैं उनको तहरीरी तौर पे आप जो है ना वो तहरीरी तौर पे सामने लाने की कोशिश करें। जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात मिसिंग हैं उनको पॉइंट आउट कर लें, और फिर उनको अपनी जो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर आप शामिल करें इस वीक के अंदर। अच्छा, फिर ये है कि जो तालीमी सरगर्मियां हैं उनकी तरफ ध्यान रहेगा, स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा सरगर्म रहेंगे। दीन की तरफ जो है लियो अफराद जो हैं वो उनका रुझान रहता हुआ इस वीक में नजर आता है। और दूसरा ये है कि इससे मुतल्लिका, दीन से मुतल्लिका किताबें आप पढ़ते हुए नजर आते हैं इस वीक में, नॉलेज लेते हुए नजर आते हैं, इंटरनेट पे कह लें, किताबें पढ़ना, पढ़ते हुए पर दीन से रिलेटेड मामलात में आप वो इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं। अच्छा, इस दफा इस वीक के अंदर आपने ये करना है कि जो कानूनी पेचीदगी है ना उनको आपने सॉल्व करना है, क्योंकि ये वीक का टाइम आपको बहुत ज्यादा अच्छा टाइम जो है ना, वेव्स बहुत अच्छी आपको मिल रही है, कानूनी पेचीदगियां दूर करने का वक्त है। रुपए पैसे से रिलेटेड मामलात भी बेहतर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। एक्स्ट्रा इनकम जो है
वो इस वीक में खैर एज सच को बहुत ज्यादा इनकम तो नहीं होगी, मगर इस वीक में रिसोर्सेज ऐसे डेवलप होंगे कि आने वाले जो चंद हफ्ते हैं उनके अंदर रुपए पैसे के हिसाब से चीजें बेहतर होती हुई नजर आती हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि लोगों के ताबुन से और बेहतर रहनुमाई से आपके रस्ते जो है ना वो इस हफ्ते में क्लियर होते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह। बाकी आप ईमेल्स भेज रहे हैं, खतों की ताबत कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें चीजें आपकी बेहतर होती बेहतर रहती हुई और बेहतर मतलब मामलात में जाती हुई नजर आती हैं अल्लाह की मेहरबानी से। जो हाउसवाइफ हैं लियो हाउसवाइफ, उनके लिए ये है कि उनकी अपनी जो सेहत है उसके ऊपर वो ध्यान दें, खास तौर पे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, खास तौर पे हाउसवाइफ्स को, खवातीन को चले ओवरऑल बात कर लेते हैं, लियो खवातीन को, उनके लिए ये वीक जो है वो कॉशन का वीक है, एहतियात का वीक है। अब हम आ जाते हैं सदकात की तरफ। सदकात जो है वो हमेशा मुस्तहकीन को दिए जाते हैं, और मुस्तहकीन कौन होते हैं? मुस्तहकीन होते हैं हमारे अपने बहन भाई, अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सहेलियां, फिर महल्लेदार आ जाते हैं। तो सदका मुस्तहिक को दें, बता के दें, इज्जत के साथ दें कि जनाब ये सदका है, कबूल कर लें। कबूल करने वाली जात तो अल्लाह पाक की है, या आप अल्लाह ताला के साथ ही कर रहे हैं मामला, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही फरमाया है कि सदके में हर बला को टालने की कुव्वत मेरे रब ने रखी है, हत्ता कि मौत तक को भी सदका जो है वो टाल सकता है अगर अल्लाह का हुक्म हो तो। और सदका जो है वो आपने देना क्या है? सदका आपने जनाब गंदम दे सकते हैं, सुर्ख रंग का कपड़ा जो है वो दे सकते हैं, सुनहरी रंग का कपड़ा दे सकते हैं, चने की दाल जो है वो दे सकते हैं, मसूर दे सकते हैं, काला गुड़ दे सकते हैं, जिंदा जानवर दे सकते हैं, गोश्त दे सकते हैं, ये सारे सदकात जो हैं अगर आपके पास हिम्मत तौफीक है सब दीजिए, वरना जो अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई है उस हिसाब से कोई एक चीज लें और वो अल्लाह ताला के साथ कारोबार करें सदका देके। बाकी इस हफ्ते में मेडिटेशन, दुरूद शरीफ की कसरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, और उसके अलावा आपने अपनी नमाजों को, इबादात को इंटैक्ट रखना है, और आपने या हाफिज़ो की एक तस्बीह हर नमाज के बाद जो है वो करते रहना है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और या हाफिज़ो खे और ज़ोर, तो ये जो तस्बीह है ये आपको बहुत सारी जो इस वीक में प्रॉब्लम्स हैं अनसीन, ये अल्लाह का पाक नाम आपको उससे बचाएगा इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अगला जो बुर्ज है हमारा वो बुर्ज सुंबला है, जिसको हम उर्दू अरबी और फारसी में तो सुंबला कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वर्गो। वर्गो का जो अरसा है वो 24 अगस्त से शुरू होता है और 23 सितंबर तक रहता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे बच्चियां ख्वातीन हजरात अफराद इस अरसे में पैदा होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो सुंबला के साथ होता है, और सुंबला का जो हाकिम सयारा है वो अतारद है, मरकरी जिसको हम कहते हैं, और इससे जो मंसूब दिन है वो बुध का दिन है। वैसे तो बेहतरीन है सारे दिन मेरे रब के, और जो हरूफ मंसूब है वो पे और रैन है, और आप इनसे नाम जो है वो रख सकते हैं बच्चे या बच्ची के। नाम का असर जो है वो जिंदगी के आखिर तक, जिंदगी के बाद तक जो है वो रहता है। और दूसरा ये कि इससे जो मंसूब अदद है, लकी नंबर जिसको कहते हैं, वो 5 है, नंबर 5। और रंग जो है वो येलो है, वो आप पहनते हैं पहनती हैं तो उसका असर जो है वो जिंदगी के ऊपर बहुत अच्छा गहरा आता है। और बाकी जो जेम स्टोन्स हैं जो आपकी तकदीर को तब्दील करने में तो कोई कुदरत नहीं रखते, हाँ अलबत्ता जो बॉडी एनर्जीज हैं आपकी उनको जरा बेहतर पोजीशन में ले आते हैं, वो जमरद और फिरोजा हैं, आप वो पहन सकते हैं या पहन सकती हैं। ये जो है खाकी बुर्ज है, अर्थ है इसका जो एलिमेंट है ना वो अर्थ है। अच्छा, अब हम आते हैं आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ। जनाब ऐसे है कि ये हफ्ता जो है ना इसमें आपका ताल्लुक अगर कारोबार से है तो कारोबारी जो बातचीत है गुफ्तगुशनीद है, गुफ्तगू है, डिस्कशन है, मीटिंग्स हैं, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा टाइम नहीं है ये उनके लिए, ठीक है, कारोबारी हजरात के लिए, खास तौर पे बिजनेस मीटिंग से रिलेटेड।
अच्छा, फिर आ जाती है बात जो मुलाजमत पेशा अफराद है, हाँ उनके लिए ये टाइम बेहतर है, उसमें वो अपनी कारकर्दगी को इस वीक के अंदर जो सुमला से जिनका ताल्लुक अफराद से है, बुर्ज सुमला से, वो इस वीक में अपनी चीजों को जो मुलाजमत के साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो चीजों को बेहतर करते नजर आएंगे, बॉसेस की नजर में आएंगे, गुड बुक्स में आएंगे, तारीफ की जाएगी आपके काम की इस वीक में जो मुलाजमत पेशा खवातीन या मर्द हजरात हैं। अच्छा, इसके अलावा जो लोग किसी शोबे में इम्तिहान दे रहे हैं इस वीक में या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीक जो है ये बेहतर है। कंसंट्रेशन बनेगी तैयारी करने वालों के लिए, अगर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे किसी भी शोबे में आप इम्तिहान दे रहे हैं। और दूसरा ये आपको मैं यहां पर बताऊं कि एफर्ट्स जो आपने की हैं लास्ट महीनों में, लास्ट वीक्स में, अपने तालीम से रिलेटेड या इस इम्तिहान से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह आपको इस हफ्ते में पता चलेगा कि वो अल्लाह ने आपकी मेहनत को कबूल किया है और आपको उसका समर मिलता हुआ इंशाल्लाह नजर आता। माली मामला जो हैं आपके वो बेहतरीन हैं इस वीक के अंदर इंशाल्लाह। गैर ममालिक से जो इमदाद है या हेल्प है आपके तालीमी मकासद के लिए, कारोबारी मकासद के लिए, वो दूर दराज जो बहन भाई अजीज रिश्तेदार हैं वो आपको हेल्प आउट करते हुए नजर आते हैं, इस लिहाज से भी बेहतर है। और जो लोग इनकम में ऑलरेडी हैं, जो अपने बिजनेस में हैं, अपने कारोबार छोटे दरमियाने लेवल के ऊपर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीक जो है सुंबली अफराद के लिए ये बेहतरीन वीक है। जो खवातीन हैं, घरेलू खवातीन, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि बच्चों या बच्चियों से रिलेटेड रिश्ते जो हैं उनके लिए बड़े अरसे से परेशानी काट रही हैं, आप सोच रही हैं, वो इस वीक में आएंगे और जज्बाती तरीके से उनको आपने हैंडल नहीं करना, वरना फिर ये है कि फिर काम जो है वो डिले हो जाएगा। तो इस वक्त अकल फहम शोर का इस्तेमाल करके औलाद के लिए रिश्ते जो है वो हर माँ बाप भी करता है वैसे तो, मतलब पर इस वीक में सुंबली जो हाउस वाइफ हैं, खवातीन हैं, उनके लिए खास मेरी ताकीद है। और दूसरा ये कि जो शरीक हयात किसी भी वजह से, नाराजगी की वजह से या आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलहदा थे, इस हफ्ते में वो अल्लाह की मेहरबानी से इकट्ठे होते हुए दोबारा नजर आते हैं। ये इस लिहाज से बहुत अच्छा वीक है कपल्स के लिए कि जिनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो इस वीक में दूर होती हुई नजर आती है अल्लाह की मेहरबानी से। इसके अलावा जो गैर शादीशुदा खवातीन हजरात हैं उनकी लाइफ के अंदर उनको क्लैरिटी होगी इस हफ्ते में कि हम किससे शादी करने जा रहे हैं या शादी करने जा रही हैं, इस वीक में वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद हम आ जाते हैं सदकात की तरफ। सदकात जो है मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा वीडियो में बताता हूँ मैं, सदकात जब भी दें मुस्तहिकीन को दें, और मुस्तहिकीन जो होते हैं वो हमारे अपने सगे बहन भाई भी हो सकते हैं, अजीज रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, महल्लेदार भी हो सकते हैं। सदका बलाओं को टालता है, हत्ता के मौत तक को टालने की कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें रखी हुई है। आपने करना यह है कि आपने साबुत मूंग, सब्ज रंग का कपड़ा, गाय का घी, फिरोजा या परिंदों का गोश्त, ये सदके में देना, या इनमें से कोई एक चीज आप जो है अपनी तौफीक इस्तेदाद के हिसाब से जो है वो दे दें। अब आपको बताता हूं मैं इस वीक में कौन सा जिक्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें, रहमतें, बरकतें समेट सकेंगे। सबसे पहले तो अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ बेहतरीन रखें, क्योंकि वो इस दुनिया में काम आता है, इस दुनिया के बाद भी उसी ने काम आना। और दूसरा ये कि अपनी मेडिटेशन स्पेशल रखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर दुरूद और सलाम भेजें। ये वो खूबसूरत काम है जो हमारा प्यारा रब हम वक्त अपने फरिश्तों के साथ करने में मसरूफ है। इसके अलावा अपनी नमाजों को इंटैक्ट रखें, पांचों वक्त की नमाज पढ़ें। और दूसरा आपने जो पढ़ना है अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक सिफाती नाम, वो है या कयूमो या अल्लाह, या अल्लाह या कयूमो भी पढ़ सकते हैं, या कयूमो या अल्लाह भी पढ़ सकते हैं। और इसकी आपने एक तस्बीह जो है वो पढ़नी है हर नमाज के बाद, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और ये तस्बीहात करें, अल्लाह ताला से दुआ करें और उसकी रहमतें जो हैं
वो समेटने की तरफ जाएं। जी व्यूअर्स, वीडियो आपको कैसी लगी है आप काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कीमती कमेंट्स दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर लें इसको। और मेरी एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जनाब, अगर आप इस चैनल पे डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर पे नए हैं, पहली दफ़ा विजिट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, क्योंकि आपका अपना चैनल है। दूसरी बात ये कि जायचा जो अगर आप बनवाना चाहें, ये नंबर जो आते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लें। जो उसका तरीक़ाकार है वो आपको बता दिया जाएगा। और ये ध्यान में रखिएगा काइंडली कि जायचा जो है ये एक पेड सर्विस है, इसके लिए एक कंसल्टेशन फी है। जायचा बनने में भी टाइम लगता है, फिर आपके साथ जो सेशन होता है हमारा, उसमें भी मैं अच्छा खासा टाइम जो है, मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो मेरे बहन भाई जिनसे मेरी बात हुई है, वो भी इस बात को एंडोर्स करेंगे, प्रॉपर टाइम देता हूँ। और दूसरा ये है कि बाकी आपकी जो गाइडलाइंस हैं, रेमेडीज हैं, वो उसके अंदर डिस्कस हो सकती हैं। बट ये है कि मुझे कई बार फोन आता है कि आप पैसे लेते हैं, तो भाई ये जो चीज है, प्लीज इसको समझ लें कि हॉरोस्कोप जो है, इट्स अ कंसल्टेशन। दुनिया में कंसल्टेशन आप कहीं भी लेने जाएंगे, प्रोफेशनल कंसल्टेशन, तो वो आपको एज ए पेड सर्विस ही जो है वो दी जाती है। और प्लीज इसका आपने माइंड नहीं करना, जो इसका तरीक़ाकार है वो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे, और अगर आप चाहें तो ये नंबर्स आपके सामने। बहुत शुक्रिया।